कल देखिए हमने एक टॉपिक स्टडी किया था, वो टॉपिक था बीट्स। बीट्स जो है उसमें कुछ कंडीशंस थी। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो नियर बाय होनी चाहिए, दो वेव्स ट्रेवल करेंगी और एक पॉइंट पर आकर के सुपर इम्पोज करेंगी, तो उस केस पे टू सक्सेसिव वेव्स या टू ट्रेवलिंग वेव्स दो ट्रेवलिंग वेव होंगी जो क्या करेंगी, नियर बाय फ्रीक्वेंसी की होंगी, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी। और इक्वल एम्पलीट्यूड, दो ट्रेवलिंग वेव नियर बाय नियरली सेम फ्रिक्वेंसी की एंड इक्वल एम्पलीट्यूड की जब सुपर इम्पोज करती हैं तब आपको क्या सुनाई देती हैं, देन यू कैन हियर द बीट्स, तब आपको बीट सुनाई देती है। और ये जो बीट्स हैं ये पर सेकंड कितनी हो सकती हैं, ये पर सेकंड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कितनी बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस होंगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो दोनों सोर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया था, हमारे पास एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज और दूसरा सोर्स है साउंड का जिसकी फ्रीक्वेंसी है 260 हर्ट्ज। अब इन दोनों जो सोर्स हैं इनको एक साथ प्ले किया जाएगा तो उस समय पर ये दो साउंड वेव प्रोड्यूस होंगी और ये दोनों साउंड वेव ट्रेवल करेंगी और एक पॉइंट पर आकर के सुपर इम्पोज करेंगी। तो जिस पॉइंट पर आकर के ये सुपर इम्पोज करेंगी, मतलब कि ऑब्जर्वर जो होगा, जो लिसनर होगा, इस साउंड को सुनने वाला होगा, तो वो जो लिसनर होगा उसको इनका ये जो सुपर इम्पोज करेंगी, सुपर इम्पोज करने के बाद उसको क्या सुनाई देंगी, उसको बीट सुनाई देंगी। और कितनी बीट सुनाई देंगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों फ्रिक्वेंसीज को माइनस कर देते हैं। दोनों फ्रिक्वेंसीज को अगर माइनस करते हैं तो न्यू वन माइनस न्यू टू दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हो सकता है पहले सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, दूसरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी कम हो, तो जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन अभी हमारे केस में जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आएगी। 256 माइनस 260 करेंगे सो दिस विल बी -4। तो -4 आए +4 आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सिर्फ ये पता लगेगा आपको कि 4 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, इसके बेसिस पे अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, उन क्वेश्चंस को मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना होगा। इसके साथ साथ हम लोग पहले ये समझते हैं कि मैक्सिमम हम कितनी बीट्स सुन सकते हैं। सो यू कैन हेयर मैक्सिमम ऑफ 10 बीट्स पर सेकेंड, आप मैक्सिमम 10 बीट सुन सकते हैं 1 सेकेंड बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। किसकी वजह से, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग की वजह से। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग का मतलब है कि कोई भी साउंड जो है वो हमारे ब्रेन में, वो हमारे माइंड में परसिस्ट करती है। परसिस्ट मतलब रहती है, रिटेन करती है, परसिस्ट इन अवर माइंड फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। कोई भी साउंड हमारे ब्रेन में कितने समय के लिए स्टोर रहती है, 0.1 सेकेंड के लिए स्टोर रहती है। तो आपको ये पता करना है कि एक साउंड खत्म हो चुकी है और दूसरी साउंड आ रही है, तो इसके लिए मिनिमम कितना डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि हम लोग एको के बारे में पढ़ते हैं, एको की कंडीशन में क्या होता है, वो भी इसी बेसिस पे काम करती है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग के बेसिस पे काम करता है। अब जैसे कि आपने एक साउंड को सुना, उस साउंड को मैं यहाँ पर वेव की फॉर्म में दिखाता हूँ। एक साउंड प्रोड्यूस हुई, वो साउंड प्रोड्यूस हुई और वो साउंड आपके ब्रेन में परसिस्ट करती है कितने सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए। अब दूसरी साउंड आती है जो कि रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। पहले सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एको की बात कर रहा हूँ, जिसमें जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होकर के दोबारा से जो लिसनर होता है उसको सुनाई देती है। तो 0.1 सेकंड के लिए ये साउंड उसके ब्रेन में परसिस्ट करती है। अब सामने कोई ऑब्स्टेकल था, उस ऑब्स्टेकल से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के साउंड वेव वापस आ रही है, रिटर्न आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, वो साउंड वेव उसको सुनाई देती है थोड़े गैप के बाद में। ये पहली साउंड वेव आई 0.1 सेकंड के बाद में, वो साउंड
जो वो जो एनर्जी थी, वो जो इंफॉर्मेशन थी, वो 0.1 सेकंड के बाद उसके ब्रेन से डिलीट हो गई। अब इसके बाद में बीच में थोड़ा सा गैप हुआ 0.1 सेकंड का, फिर नेक्स्ट साउंड आ रही है वो 0.1 सेकंड के लिए परसिस्ट करेगी। अब ये पहली साउंड उसने सुनी डायरेक्ट सोर्स से, जो भी सोर्स हमने लगा रखा था, एक तो डायरेक्ट वो सोर्स से साउंड सुन रहा है और दूसरी साउंड रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, वो इतने टाइम के बाद आ रही है। तो पहले उसको डायरेक्ट साउंड सुनाई दी सोर्स से और फिर उसको साउंड सुनाई दी जो सामने ऑब्स्टेकल से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। तो एक साउंड ये सुनी, दूसरी साउंड ये सुनी। लेकिन अगर ऑब्स्टेकल को हम लोग पास पे लगा दे, अगर ऑब्स्टेकल को हम लोग पास में लगाएंगे तो साउंड रिफ्लेक्ट होकर के जल्दी आ जाएगी। साउंड अगर रिफ्लेक्ट होकर के जल्दी आ जाएगी तो उस समय हमारा ब्रेन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये साउंड खत्म होकर के दोबारा आई है। तो ये 0.1 सेकंड के बाद, अब जैसे कि मैंने एक सोर्स के थ्रू साउंड को प्रोड्यूस किया, वो साउंड आपके ब्रेन में 0.1 सेकंड के लिए स्टोर थी। अब इतनी देर में क्या हुआ, सामने जो ऑब्स्टेकल था वहां से रिफ्लेक्ट होकर के फिर से साउंड आ गई, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के साउंड आई तो 0.1 सेकंड से पहले आ गई। अब ये वाली साउंड आपके ब्रेन से डिलीट नहीं हुई थी, इतनी देर में वही साउंड फिर से आ गई। तो आपका ब्रेन क्या सोचेगा कि ये साउंड कैसा चल रही है, ये साउंड कंटिन्यूअसली चल रही है। सो दिस इज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, दिस इज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। अब ये बीट्स के अंदर भी सेम इसी तरह से काम करेगा। सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि साउंड की इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। बीट्स में ऐसा ही होता है, जिस जगह पर क्रस्ट पे क्रस्ट आता है वहां पर इंटेंसिटी, वहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड के इंक्रीज होते ही इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो दो साउंड वेव सुपर इम्पोज करेंगी, ये 1 सेकंड में 4 बीट्स को प्रोड्यूस करेंगी। 1 सेकंड में 4 बीट इसलिए प्रोड्यूस करेंगी क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी में 4 हर्ट्ज का डिफरेंस है। 4 हर्ट्ज का डिफरेंस है तो ऐसी 4 जगह होंगी जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ऐसे 4 रीजन होंगे जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो 4 बार आपको इंटेंसिटी ज्यादा सुनाई देगी और 4 बार आपको इंटेंसिटी कम सुनाई देगी, और इसको हम लोग बोलेंगे 4 बीट्स पर सेकेंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4 बीट्स पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। मैक्सिमम कितने बीट सुनाई दे सकती है, मैक्सिमम 10 बीट सुनाई दे सकती है, क्योंकि ये आपको पहली बीट सुनाई दी, ये आपके ब्रेन में कितने समय के लिए परसिस्ट करेगी, 0.1 सेकंड के लिए। फिर आपको दूसरी बीट सुनाई दी, ये आपके ब्रेन में परसिस्ट करेगी 0.1 सेकंड के लिए। तो ऐसा करते करते आपको मैक्सिमम कितनी बीट सुन सकती है, 0.1 को 10 टाइम्स ऐड कर दो, 10 टाइम्स अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सेकंड। 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, तो इसको ऐड करोगे तो टोटल 1 सेकंड हो जाएगा। तो एक साउंड वेव, एक बीट आपको सुनाई दी, वो बीट यहां से आपके ब्रेन से डिलीट हो गई, फिर उसके बाद आपको दूसरी बीट सुनाई दे रही है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दे, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे बीट्स की, जैसे कि फर्स्ट जो सोर्स है उसको हम लोग 240 हर्ट्ज का लेंगे, दूसरा जो सोर्स है उसको 260 हर्ट्ज का लेंगे, तो कितने का डिफरेंस हो गया, तो इसमें 20 का डिफरेंस हो गया, तो 20 बीट्स पर सेकेंड सुनेंगी। लेकिन आपका ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा उन बीट्स को, क्योंकि ये बीट्स कैसा प्रोड्यूस होंगी, ये 0.1 सेकंड के लिए इंटेंसिटी बढ़ी, फिर इतनी देर में इंटेंसिटी कम हुई और आपके ब्रेन से ये डिलीट होने ही वाली थी साउंड, कि इतनी देर में नेक्स्ट बीट आ गई। फिर ये वाली बीट आपके ब्रेन से डिलीट होने वाली थी 0.1 सेकंड में, इतनी देर में नेक्स्ट बीट आ गई। तो इस तरह से ये बीट कंटिन्यूअसली ऐसा चलती रहेगी और आपका ब्रेन सोचेगा कि वो साउंड कंटिन्यूअसली आ रही है। तो आपको इंटेंसिटी का बढ़ना और इंटेंसिटी का कम होना पहचान में नहीं आएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा हमारा ब्रेन इसको। तो मिनिमम मिनिमम कितना टाइम इंटरवल का गैप होना चाहिए, मिनिमम 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए, और मिनिमम 0.1 सेकंड के गैप के लिए कम से कम फ्रीक्वेंसी, मैं सॉरी, ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, 10 हर्ट्स हो सकती है, क्योंकि 10 हर्ट्स वो लिमिट होगी जब एक साउंड वेव और दूसरी साउंड वेव के बीच में कितने का डिफरेंस रहेगा, 0.1 सेकंड पे ये खत्म होगी और 0.1 सेकंड पे नेक्स्ट वाली बीट आपको सुनाई देगी। और जैसे ही टाइम इंटरवल इससे कम हो जाएगा तो आपका ब्रेन सोचेगा कि वो साउंड कैसा चल रही है, वो साउंड कंटिन्यूअसली चल रही है, आपको बीट्स नहीं सुनाई देंगी। ओके, तो इंटेंसिटी का डिक्रीज और इंक्रीज होना, इसी को तो बीट्स बोलते हैं। तो हमारे ब्रेन को ये पता नहीं लगेगा कि इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, वो एवरेज आपको क्या सुनाई देगी, आपको साउंड की एवरेज इंटेंसिटी सुनाई देगी।
एवरेज इंटेंसिटी। इसी तरह से हमारे विजन का भी परसिस्टेंस होता है। हम जो ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं वो हमारे ब्रेन में कितने सेकंड के लिए स्टोर रहते हैं, 1/16 सेकंड के लिए। 1/16 सेकंड का मतलब है कि मैक्सिमम हम कितनी इमेजेस को देख सकते हैं, 16 हर्ट्ज। अगर आपके सामने से एक सेकंड में 16 इमेजेस गुजारी जाएंगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इमेज एक के बाद एक चेंज हो रही है। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी इससे ज्यादा कर दे तो, जैसे कि हम लोग वीडियोग्राफी में करते हैं, वीडियोग्राफी में क्या होता है, उसमें हम लोग एक वीडियो को प्ले करते हैं जिसकी रेट होती है 30 फ्रेम पर सेकंड। एक सेकंड में आपके सामने से 30 फ्रेम गुजरते हैं, तो पहले एक फर्स्ट इमेज आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, ऐसा करते करते एक सेकंड में आपके सामने से 30 इमेजेस गुजर जाती हैं। तो 30 इमेजेस जब आपके सामने से गुजर जाती हैं तो आपका ब्रेन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, आपके ब्रेन को लगता है कि वो एक वीडियो चल रही है, लेकिन एक्चुअल में आपके सामने से क्या पास हो रही है, इमेजेस पास हो रही है। एक सेकंड में 30 इमेजेस पास हो रही है, क्योंकि हमारे जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है वो 1/16 सेकंड के लिए। 1/16 सेकंड का मतलब है कि मैक्सिमम 16 इमेजेस अगर आपके सामने से जाएंगी तो आपका ब्रेन उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। इसी तरह से हम लोग अल्टरनेटिंग सप्लाई को यूज करते हैं घरों के अंदर, और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, जिसको आप एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो 50 हर्ट्ज का एसी करंट आता है हमारे घर पे, अल्टरनेटिंग करंट आता है हमारे घर पे। तो जब हम लोग एक बल्ब को ऑन करते हैं तो उसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है इस तरह से, ये एक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब। तो ये बल्ब 50 बार ऑन होता है, 50 बार ऑफ होता है, लेकिन आपका ब्रेन इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो इसके ऑन ऑफ होने की फ्रिक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। जो अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई की फ्रिक्वेंसी है, वही फ्रिक्वेंसी इस बल्ब के ऑन ऑफ होने की है, लेकिन आपका ब्रेन उसको पहचान नहीं पा रहा कि ये 50 बार ऑन हो रहा है, 50 बार ऑफ हो रहा है। क्योंकि मैक्सिमम अगर वो 16 टाइम फ्लिक करता, 16 बार ऑन होता, 16 बार ऑफ होता, तो आपका ब्रेन पहचान लेता कि ये बल्ब ऐसा फ्लिक कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्ज से ज्यादा। तो इसी तरह से परसिस्टेंस ऑफ विजन भी होता है और परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग भी होता है। अभी बीट्स में आपको क्या याद रखना है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग के बारे में याद रखना है। तो अगर साउंड वेव 0.1 सेकंड से पहले ही आ जाएगी, बीट अगर 0.1 सेकंड से पहले ही स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट बीट, तो उस केस में आपको एवरेज इंटेंसिटी सुनाई देगी। आपको ये नहीं पता लगेगा कि साउंड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और साउंड की इंटेंसिटी का इंक्रीज और डिक्रीज होना अल्टरनेटिवली, इसी को बीट्स बोला जाता है। ओके, अब मैं इसका क्वेश्चन आपको कराता हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, वो मेथड आप सीख लीजिए। तो इसका एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं अभी, फिर आपको बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके लिए क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर आपको ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में बता रखा होगा। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, ये चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने स्टडी किया था ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में। ट्यूनिंग फॉर्क एक इस तरह से मेटल का ऑब्जेक्ट होता है जिसके दो प्रॉन्ग्स होते हैं, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, और ये मेटल की इसके ऊपर ये स्टिक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक रबड़ पैड होता है, ये एक रबड़ पैड है जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसको हार्डली स्ट्रक करते हैं। तो जैसे ही मैं ट्यूनिंग फॉर्क को इसके ऊपर हार्डली स्ट्रक करता हूं रबड़ पैड के ऊपर, तो इसके जो प्रॉन्ग्स हैं, PRONGS प्रॉन्ग्स, तो इसके प्रॉन्ग्स ऐसा वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और ये कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, वो फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर लिखी होती है। जैसे इस ट्यूनिंग फॉर्क पे लिखा हुआ है 256 हर्ट्ज। जैसे कि 7 सुर होते हैं म्यूजिक के अंदर, सारे गामा, तो सा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 256 हर्ट्ज होती है। जो सा हम लोग बोलते हैं वो एक्चुअल में कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड है, 256 हर्ट्ज है। तो बेसिकली ये 256 हर्ट्ज की साउंड की ये फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, और जब ये वाइब्रेट करेगा तो आसपास क्या क्रिएट करेगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, मतलब एक साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। तो ट्यूनिंग फॉर्क, अच्छा इसका नाम ट्यूनिंग फॉर्क क्यों रखा गया, ट्यूनिंग फॉर्क इसलिए रखा गया क्योंकि हम इससे हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग को सेट कर सकते हैं, उनको ट्यून कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक गिटार था,
उस गिटार के अंदर आपको पता है वायर्स लगी होती है इस तरह से, और वायर्स के लास्ट में नॉब्स लगी होती है जिससे हम उसको टाइट और लूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वायर थी, उस वायर को मैंने प्लग किया। जैसे ही मैं इस वायर को प्लग करता हूँ, यहां से एक साउंड वेव प्रोड्यूस होती है 260 हर्ट्ज की, और इस ट्यूनिंग वेव, इस ट्यूनिंग फोर्क को मैं रबर पैड पे स्ट्राइक करता हूँ तो ये 256 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस करता है। अब एक साउंड वेव यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, ये जो वायर है ये इस तरह से वाइब्रेट कर रही है और 260 हर्ट्ज की साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही है, ये 256 हर्ट्ज की साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही है। अब दोनों वेव आपके ईयर तक आ रही है, क्या होगा? तो आंसर है बीट सुनाई देंगी। तो एक सोर्स 256 हर्ट्ज की साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, दूसरा सोर्स 260 हर्ट्ज की साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, और दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में 4 हर्ट्ज का डिफरेंस है, तो आपको 4 बीट पर सेकंड सुनाई देंगे। यू विल हियर 4 बीट पर सेकंड, तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी होगी 4 हर्ट्ज, तो आपको एक सेकंड में 4 बीट सुनाई देंगे। इसका मतलब ये जो वायर है इसकी ट्यूनिंग आपको करनी पड़ेगी, ये 256 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो अब क्या करेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना है। फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए इस वायर को थोड़ा लूज कर देंगे। आप इसको जितना टाइट करते जाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जितना इसमें टेंशन क्रिएट होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, तो आपको इसमें टेंशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। टेंशन कम करने के लिए एक तरफ से तो ये वायर फिक्स होती है, दूसरी तरफ से इस वायर के ऊपर यहाँ पर नॉब्स लगे होते हैं इस तरह से, तो इस नॉब को थोड़ा लूज कर देंगे। जैसे ही लूज करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 258 हर्ट्ज। अब मैं फिर से इसको प्ले करूंगा और इसको प्ले करूंगा, दोनों को एक साथ बजाऊंगा, तो उस केस में क्या होगा? 258 माइनस 256, अब आपको कितनी बीट सुनाई देंगी? अब आपको 2 बीट सुनाई देंगी पर सेकंड, मतलब कि इसकी ट्यूनिंग होनी शुरू हो चुकी है। अब आपने इसको थोड़ा सा और लूज किया, जैसे ही थोड़ा सा लूज किया इसकी फ्रीक्वेंसी भी 256 हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 256 हो गई, दोनों को एक साथ प्ले करेंगे तो दोनों से साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। अब आपको कितनी बीट सुनाई देंगी? अब आपको कोई बीट नहीं सुनाई दे रही। इसका मतलब आपने ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया? ट्यून कर दिया, सेट कर दिया। क्लियर है? ट्यूनिंग कैसे की जाती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की? विद द हेल्प ऑफ द बीट्स। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग इसी तरह से ट्यूनिंग को सेट करेंगे। तो मैं दो इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ प्ले करूंगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे किया जा सकता है, अब उसको भी समझ लीजिए पहले, फिर हम इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं। जैसे कि ये 256 हर्ट्ज का एक ट्यूनिंग फोर्क है। अब मैंने क्या किया, इसकी जो एक आर्म थी मैंने उसको फाइल कर दिया। फाइल करने का मतलब है कि उसको थोड़ा सा घिस दिया। घिसने के लिए एक फाइलर होता है, जैसे नेल फाइलर होता है उसी तरह से फाइलर होता है। तो उस फाइलर को मैं इस मेटल के सरफेस पे इस तरह से रब कर देता हूँ। रब करते ही थोड़ा बहुत मेटल यहाँ से चला जाएगा और ये आर्म जो है थोड़ी थिन हो जाएगी। आम अगर थिन हो जाएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ये आपको याद रखना है। जब आप एक ट्यूनिंग फोर्क की आम को फाइल करते हैं, उसको थोड़ा सा घिस देते हैं, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है। तो जिस क्वेश्चन में ये लिखा होगा फाइलिंग की जा रही है, समझ जाना उस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है जिसको फाइल किया जा रहा है। दूसरा ऐसा लिखा हो सकता है कि ट्यूनिंग फोर्क की आम पर वैक्स को स्टिक कर दिया जाएगा। वैक्स जो होती है कैंडल वैक्स होती है, तो कैंडल को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी वैक्स मेल्ट करके इसके आर्म पर इस तरह से लगा देंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, रबर पैड पर स्ट्राइक करेंगे। रबर पैड पे जैसे स्ट्राइक करेंगे आप देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि इसका ये जो प्रोंग था, इसकी ये जो आर्म थी, इसका मास इंक्रीज हो चुका है। अगर मास बढ़ चुका है तो ये पहले से कम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन करेगा। तो जब इसके जो प्रोंग होते हैं उसके ऊपर वैक्स लगा दी जाती है, वैक्स को स्टिक कर दिया जाता है, उस केस में इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। तो पहला फाइल करेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वैक्स लगाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तीसरा, थर्ड, अभी मैंने आपको वायर के बारे में बताया, अगर वायर में टेंशन को इंक्रीज करेंगे, टेंशन इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, उस वायर को टाइट करेंगे, एक तरफ से वो बाउंडेड है, दूसरी तरफ से उसको जो नॉब है उसको घुमा करके हम लोग टेंशन को इंक्रीज करेंगे, उसको टाइट करेंगे वायर को। टेंशन इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और टेंशन को डिक्रीज करने से, वायर को ढीला छोड़ देने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखते हैं इसमें, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी ट्यूनिंग कर सकते हैं।
तो ये तरीका रहेगा ट्यूनिंग करने का। तो ये तीन पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। फाइलिंग की जा रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वैक्स लगाया जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, टेंशन बढ़ाएंगे वायर को खींच करके तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टेंशन कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ओके, अब एक क्वेश्चन देखिए। टू ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी आर प्लेड एट द सेम टाइम या साइमल्टेनियसली, लिख सकते आर प्लेड साइमल्टेनियसली, एक साथ बजाए जाते हैं दोनों ट्यूनिंग फॉर्क। द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अच्छा इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कितनी बीट सुनाई देंगी। जब दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को एक साथ बजाते हैं तो आपको 4 बीट्स पर सेकंड सुनाई देती है, 4 बीट्स सुनाई देंगी। टू ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी आर प्लेड साइमल्टेनियसली, देन 5 बीट्स पर सेकंड, देन 5 बीट्स पर सेकंड कैन बी हर्ड। तो 5 बीट पर सेकंड सुनी जा सकती है। ट्यूनिंग फॉर्क बी, ट्यूनिंग फॉर्क बी इज फाइल्ड, इसको फाइल किया जा रहा है, इसको थोड़ा सा घिस रहे हैं हम लोग। द ट्यूनिंग फॉर्क बी इज फाइल्ड, देन 4 बीट्स पर सेकंड कैन बी हर्ड, देन 4 बीट्स पर सेकंड हर्ड, तब 4 बीट सुनाई देती है एक सेकंड में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 256 हर्ट्ज, देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क, देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात इसमें लिखा गया कि दो ट्यूनिंग फॉर्क है जिनको एक साथ बजाया जा रहा है, एक साथ प्ले किया जा रहा है और आपको 5 बीट पर सेकंड सुनाई देती है, जिसमें से एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 256। तो मैं यहां पर लिखता हूं इसका आंसर। आंसर लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज लिखते हैं। गिवन क्वांटिटीज में इसने ये बता रखा है कि जो फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज, जो सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, और आपको बीट्स की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 हर्ट्ज, न्यू बी दे रखा है आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज 5 हर्ट्ज। ये कौन सा केस है? ये फर्स्ट केस है, ये पहली कंडीशन है फाइल करने से पहले। तो इस केस में सेकंड जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी? सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, न्यू टू इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था प्लस माइनस न्यू बी इज इक्वल टू न्यू वन माइनस न्यू टू। अब आपको न्यू टू का फॉर्मूला बनाना है, सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को इधर ले आते हैं, ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस को उधर ले जाते हैं तो वो हो जाएगा माइनस प्लस। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा वो आएगा न्यू टू इज इक्वल टू न्यू वन प्लस माइनस न्यू बी, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो पहले की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है और बीट्स की फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, तो दो आंसर आएंगे फ्रीक्वेंसी के न्यू टू के। तो जब यहाँ पे लिखेंगे 256 प्लस 5 और दूसरा लिखेंगे न्यू टू इज इक्वल टू 256 माइनस 5, तो यहाँ पर प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस करके लिखेंगे एक बार माइनस करके लिखेंगे, तो इस केस में सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आएगी 256 प्लस 5, दिस विल बी 261 हर्ट्ज। और इसमें से इसको माइनस करोगे, 256 में से 5 माइनस करोगे, सो द फ्रीक्वेंसी विल बी 251 हर्ट्ज, 261 और 251, तो ये फ्रीक्वेंसीज आ रही है। अब देखिए पहला जो ट्यूनिंग फोर्क है वो 256 का था, दूसरा ट्यूनिंग फोर्क 261 का है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 हर्ट्ज का डिफरेंस आ रहा है, तो भी आपको 5 बीट पर सेकंड सुनाई दे सकती है।
पहला ट्यूनिंग फॉर 256 हर्ट्ज का है, दूसरा ट्यूनिंग फॉर 251 हर्ट्ज का है। इसमें भी कितने का डिफरेंस है, इसमें भी 5 का डिफरेंस है, तब भी आपको 5 बीट पर सेकंड सुनाई दे सकती है। अब सेकंड ट्यूनिंग फॉर की कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, तो यही तो हमें पता करना है कि दोनों में से कौन से वाली फ्रीक्वेंसी सही है, 251 वाली या 261 वाली। तो अब ये सही है या गलत है ये कैसे पता लगेगा, ये आपको सेकंड केस से पता लगेगा, जब उसने उसको फाइल किया, उस पर वैक्स लगाई या वायर को टाइट किया, उसने टेंशन इंक्रीज किया। तो यहां पर सेकंड केस में क्या क्या गिवन है, सेकंड केस में आपको गिवन क्वांटिटी दे रखी है, फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 256 ही है, सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, और इस समय बीट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, 4 हर्ट्ज फाइल करने के बाद में, आफ्टर फाइलिंग, आफ्टर फाइलिंग। अब हम लोग न्यू टू कैलकुलेट करते हैं, न्यू टू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू वन प्लस न्यू बी, और दूसरा लिखेंगे न्यू टू इज इक्वल टू न्यू वन माइनस न्यू बी। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, ये प्लस माइनस आते हैं इसके जनरल फॉर्मूला में। तो इस केस में सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी आएगी 256। अब बीट्स कितनी सुनाई दे रही है, 4, सो द फ्रीक्वेंसी विल बी 260 हर्ट्ज। एक तो ये आंसर आएगा, दूसरा आएगा 256 माइनस 4, 256 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आएगा 252 हर्ट्ज। अब यहां से आपको पता लगेगा, यहां पर आपको अपना दिमाग लगाना है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। मैंने आपको क्या बताया था, ट्यूनिंग फोर्क को जब फाइल करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब पहले फ्रीक्वेंसी 261 थी, अब फ्रीक्वेंसी 260 होगी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी क्या, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी क्या, तो आंसर है ये तो डिक्रीज हो रही है, पहले 261 थी बाद में 260 हो गई, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं। पहले इसकी फ्रीक्वेंसी 251 थी, जैसे ही हमने इसको फाइल किया, फाइल करते ही इसकी फ्रीक्वेंसी 252 हो गई। तो फाइल करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, देखिए पहले 251 थी अब 252 हो गई है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसका मतलब ये वाला आंसर करेक्ट है। जो सेकंड ट्यूनिंग फोर्क था वो कितनी फ्रीक्वेंसी का था, वो 251 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोर्क था। तो एक ट्यूनिंग फोर्क 256 का है, दूसरा ट्यूनिंग फोर्क 251 का है, कितने का डिफरेंस है, तो आंसर है 5 का डिफरेंस है, तो आपको 5 बीट एक सेकंड में सुनाई देती है। इसके बाद में जब इसको फाइल करते हैं, फाइल करने पर 4 बीट क्यों सुनाई देंगी, क्योंकि पहले की फ्रीक्वेंसी 256 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 252 है, तो 256 माइनस 252 तो आपको 4 बीट पर सेकंड सुनाई देती है, तो नंबर ऑफ बीट डिक्रीज हो रहे हैं। तो फाइल करने पर क्या होगा, सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इस केस में फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी, पहले 261 थी बाद में 260 आ रही है सेकंड केस में, तो ये वाला आंसर गलत है, ये सही नहीं है। पहले फ्रीक्वेंसी 251 थी, अब फ्रीक्वेंसी 252 हो गई, क्योंकि फाइल करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो ये वाला केस सही होगा, इसका मतलब सेकंड ट्यूनिंग फोर्क किस फ्रीक्वेंसी का था, 251 हर्ट्ज का था। हाँ जी, क्लियर है सबको। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता द ट्यूनिंग फोर्क बी इज फाइल्ड की जगह पे ये लिख देता कि सम वैक्स इज स्टिक टू द प्रोंग ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फोर्क, तो अगर सेकंड ट्यूनिंग फोर्क पे ये वैक्स लगाता तो उस केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती या डिक्रीज होती, उस केस में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती। तो पहले उस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 261 थी, वैक्स लगाने पर उसकी फ्रीक्वेंसी 260 हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, तो उस केस में ये वाला आंसर सही होता, उस केस में ये वाला आंसर सही होता, 256 हर्ट्ज फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, 261 दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, दोनों का डिफरेंस आएगा 5 हर्ट्ज, तो आपको 5 बीट सुनाई देंगे। अब वैक्स लगाने के बाद में फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, 260 माइनस 256 4 बीट पर सेकंड, तब आपको 4 बीट सुनाई देंगे। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, दो आंसर्स आएंगे, दोनों आंसर्स में से एक आंसर आपको चुनना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कौन से वाला सही है। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप सॉल्व करके बताइए मेरे को। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दो ट्यूनिंग फोर्क दे रखे, एक ट्यूनिंग फोर्क ए है, दूसरा ट्यूनिंग फोर्क बी है। जो फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज दे रखी है, सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी आपको पता करती है। इसके अलावा जब इन दोनों को एक साथ प्ले करते हैं तब आपको 8 बीट्स पर सेकंड सुनाई देती है, तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी आपको बता रखी है 8 हर्ट्ज, 8 बीट सुनाई दे रही है एक सेकंड।
सेकंड केस में ये कहता है कि व्हेन वैक्स इज अप्लाइड टू द प्रोंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी जो सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी आर्म के ऊपर उसकी प्रोंग के ऊपर क्या लगा जा रहा है वैक्स अप्लाई किया जा रहा है उस समय पर ए की फ्रीक्वेंसी तो 340 ही रहेगी बी की फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है ओके और इस केस में जो बीट्स है वो 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो जाती है उसकी मतलब कि 4 बीट सुनाई देंगी एक सेकेंड में अब आप बताइए सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क की क्या फ्रीक्वेंसी होगी फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी बताइए क्या आंसर आएगा इसका कैलकुलेट कीजिए तो इस केस में हम लोग फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 340 प्लस 4 एंड न्यूटो इज इक्वल टू 340 माइनस 4 न्यूटो इज इक्वल टू 344 हर्ट्ज एंड न्यूटो इज इक्वल टू 336 हर्ट्ज तो अब इसमें ये डिसाइड करना है कि वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए थी पहले 348 थी बाद में 344 होगी डिक्रीज हो गई पहले 332 थी बाद में 336 हो गई ये तो इंक्रीज हो रही है वैक्स लगाने पर फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए थी तो ये वाला केस तो नहीं है आंसर क्या है आंसर है 348 तो जो सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क था वो 348 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का था तो जब इसको 348 और 340 वाले को एक साथ बजाते हैं तो 8 हर्ट्ज की बीट्स आपको सुनाई देती है मतलब पर सेकंड